गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 एंड 10 विषय संस्कृत सम्मिलित इकाई संधि प्रकरण चल रहा था। संधि प्रकरण में आप अब तक संधि की परिभाषाएं, उसके प्रकार जैसे असंधि, अपसंधि, विसर्ग संधि के बारे में आपने जानकारी अर्जित की। असंधि पूर्ण हो चुका है, हर संधि भी पूर्ण हो चुका है। विसर्ग संधि में हमारा कुछ जो कार्य चल रहा था, तो कल मैंने आपको बताया था विसर्ग से रेफा के भी विसर्ग के स्थान पर र आदेश होता है, उसी का आज दूसरा नियम है विसर्ग संधि का। कहा गया है अव्यय हो या निकरांत शब्द हो या संबोधन वाची शब्द हो, उसके बाद यदि अ या आ होता है और विसर्ग होती है, और यहां पर आपके कोई भी स्वर या व्यंजन हो, तो ये जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो जाती है। जैसे देखिए पुनः धन अत्र, तो नियम कहता है कि अव्यय संबंधी हो और आ होना चाहिए, तो ये अव्यय है, पुनः पीछे विसर्ग भी है, यहाँ पर पुनः अंत में जो आ भी है, तो यहाँ पर विसर्ग की जगह पर र आदेश हो जाएगा। तो अब हमारे पास में क्या रहता है, पुनरत्र तो हम मिलाएंगे इसको, तो पुनरत्र इस तरह से जो है ये हो जाएगा। उसी तरह से प्रातः गच्छति विसर्ग को र आदेश, तो हमारे पास बचा प्रातः र गच्छति, तो प्रातः गच्छति। उसी तरह से पितः धन बंदे, पितर बंदे माता धन बंदे, विसर्ग को र आदेश, माता धंदे, तो इस तरह से जो है वो इसके उदाहरण है। तो आप देख लीजिए कि यदि आकारांत अव्यय हो या रिकारांत शब्द हो या संबोधन वाची शब्द हो और वहां विसर्ग को स्वर और व्यंजन परे रहते विसर्ग को र आदेश हो जाता है, जैसे पुनः धनात्र पुनरत्र, प्रातः धन गच्छति प्रातः गच्छति, पिता धन वंदे पितर वंदे, माता धन वंदे माता वंदे। तो ये कार्य जो है आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हमारी बात करते हैं।
देखिए नियम है विसर्गस्य लोपः, अर्थात कि विसर्ग का लोप हो जाता है तो नियम कहता है कि यदि आ हो विसर्ग हो उसके बाद में स्वर या वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होता है तो विसर्ग जो है उसका लोप हो जाता है। जैसे बालाधर अध, तो नियम के अनुसार विसर्ग से पहले आ होना चाहिए, आ है, स्वर या वर्ग का पहला तीसरा पांच और हमारे पास स्वर है, विसर्ग जो है उसका लोप हो जाएगा और हमारे पास बचेगा बाला अत्र। तो उसी तरह से लता धन एदंते, धन गच्छन्ती, वृद्धा धन यान्ति, बाला धन हसन्ति। तो हो जाएगा लता इदंते, ता
गच्छन्ति वृद्धा यान्ति बाला पसन्ति। इस तरह से जो इसके नियम है तो विसर्ग से लोप का अर्थ है कि जहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है तो नियम कहता है विसर्ग से पूर्व आ हो उसके बाद यदि स्वर या वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो बाला धन अत्र यहाँ पर आ है और इधर स्वर भी है तो विसर्ग का लोप हो गया बन गया बाला अत्र। तो इस तरह से जो इसके उदाहरण आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो देखिए विसर्ग से लोप संधि का दूसरा नियम कहता है यदि अ हो उसके पश्चात विसर्ग हो और यदि उसके बाद में कोई भी स्वर हो। अ विसर्ग और स्वर ये स्थिति जब होती है तब भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे राम धन आगच्छति तो आप देख रहे हैं यहां पर विसर्ग से पहले आ है इधर स्वर है तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा तो हमारे पास रहेगा राम आगच्छति। उसी तरह से प्रश्न धन एति तो अ के कारण इसका लोप हो जाएगा और हमारे पास रहा प्रश्न एति।
Bala. Ichati. तो इसका लोप हो जाएगा और हो जाएगा बाला इच्छति। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे और नियम की बात करते हैं। तो विसर्ग सी लोप में दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में स्वर हो कोई, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो राम आगच्छति, तो राम आगच्छति, इसमें हम रामागच्छति नहीं करेंगे, इसको अलग अलग ही रखेंगे, केवल विसर्ग का लोप होगा। ये स्वर जो है वो ये व्यंजन में नहीं मिलेगा। जैसे कृष्ण धन एति, तो कृष्ण एति, बाल धन इच्छति, तो बाल इच्छति। इस प्रकार से जो है ये इनका जो उदाहरण पूर्ण होता है। नियम कहता है तीसरा कि यदि स श श स विसर्ग और यहां पर कोई भी स्वर या व्यंजन हो तब भी स्वर का विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे ऐसा इच्छती, तो देखिए विसर्ग से पूर्व शकार होना चाहिए, शकार है तो हम यहाँ पर विसर्ग का लोप कर देंगे, तो अब यहाँ पर होगा एष इच्छती। उसी तरह से एषः गच्छति, सहदन आगच्छति, तो स आगच्छति। उसी तरह से ऐसा धन विष्णु, एस विष्णु,
सदन तत्र तो सतत्र सदन शंभु स शंभु। इस तरह से जो है वो आपके इसके उदाहरण होंगे। तो विसर्ग से पूर्व सकार होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, तो एषा गच्छति एष इच्छति एष गच्छति एष गच्छति सः आगच्छति सः गच्छति एषा विष्णु एष विष्णु सः तत्र सः तत्र सः शंभु सः शंभु। इस तरह से जो इसके उदाहरण होते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चौथा नियम और अंतिम नियम संधि का वो कहता है कि यदि हर्ष स्वर हो उसके पश्चात विसर्ग हो उसके बाद र हो, तो ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा और ये स्वर जो है हर्ष स्वर वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे कवि धन रचयति, विसर्ग से पूर्व लघु अर्थात की हर्ष है विसर्ग है और र है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। और ये दीर्घ हो जाएगा तो बनेगा कवि रचयति। उसी तरह से भानु राजते, तो भानु राजते पुनर्धन रमते पुनरमते। हरिधन रम्य हरि रम्य संबोधन राजते शंभु राजते। तो आपका और इस असाइनमेंट है संधि कार्य पूर्ण करें।